आज हम रेड मावा बनाएंगे, वो भी एकदम से दानेदार, लेकिन बिना कलर डाले हुए। बिल्कुल सही सुना, बिना कलर डाले हुए रेड मावा। कैसे बनेगा, थोड़ी सी सीक्रेट ट्रिक और टिप्स है। लेकिन अगर आप रेड मावा नहीं बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा। व्हाइट मावा बनके तैयार हो जाएगा दानेदार, जिससे कि आप मिल्क केक, कलाकंद, गुजिया और भी ना जाने कितनी ढेरों मिठाइयां, उसी के साथ ढेरों सब्जियों में भी इसका यूज होता है, क्योंकि इसमें होता है दाना और दाना कभी नहीं होता है मीठा। कितनी भी चीनी डाल दो और बाकी का मीठा हो जाता है, तो उसके कॉम्बिनेशन से इस मावे का जो स्वाद है ना, एकदम से जबरदस्त आता है। और इसीलिए हलवाई वाले इसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा। और इसमें दाना कैसे आएगा, वो तो और भी ज्यादा ट्रिकी है। अब रेड मावा क्यों बनाया, अरे हमारे यहाँ पर जो होली होती है ना, उसमें मजाक किया जाता है साली से, देवर से, जीजा से और भी ना जाने कितने रिश्तेदारों से, तो वो वहाँ पर रंग भर के बना लेते हैं। मैंने सोचा रंग तो नुकसानदायक होता है, इसीलिए आपके साथ हेल्दी जो मावा है ना, वो शेयर किया जाए। और हाँ, जो मैंने इसके अंदर डाला है ना, वो इसको टेस्टी भी बनाता है और हेल्दी भी। उसी के साथ हम कढ़ाई भी साफ करेंगे एकदम से ऐसी चमचमाती इन्हीं सब चीजों से। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक नींबू लेंगे और इसी से हम इसके अंदर लाएंगे दाना। तो मेरे यहाँ रखा हुआ था, बहुत पुराना हो गया था, बहरहाल इसे हम काट लेते हैं और अब इसका रस निकाल लेंगे। तो मैं इस मशीन से निकाल रहा हूँ, बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो बीज है वो नहीं जाने देना है, वरना इसका बीज आएगा और पूरे के पूरे मावे का स्वाद बिगाड़ देगा। अब हमने नींबू का रस निकाल लिया है, लेकिन जो ये नींबू बचा हुआ है, इसी से करेंगे हम कढ़ाई को एकदम से चमचमाता साफ। ट्रिक है हलवाई वाली, तो चलो हम कढ़ाई को भी साफ कर लेते हैं। तो देखो कढ़ाई कितनी गंदी है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं और जो मैंने नींबू को निचोड़ा था उसका बचा हुआ नींबू इसके ऊपर रगड़ देते हैं। बस इस तरीके से रगड़ते रहिएगा और कढ़ाई अपने आप एकदम से सफ़ेद होती जाएगी। हाँ, जो काली वाली है वो सफ़ेद नहीं होगी, जो इस तरीके की सफ़ेद वाली है वो ही सफ़ेद होगी, नहीं तो आप काली में जुट जाएं और फिर दिन भर रगड़ते रहें और वो सफ़ेद ही ना हो। खैर, कढ़ाइयाँ भी कई प्रकार की होती हैं, एक काली और दूसरी इस तरीके की सफ़ेद, और इसमें बनाई जाती है एकदम से परफेक्ट वाइट वाइट मिठाइयाँ। कढ़ाई एकदम से हमने चमचमाती हुई निकाल ली है, तो जूना लेंगे। वैसे हमें नहीं पता आपके यहाँ क्या कहा जाता है, बहरहाल हमारे यहाँ इसको जूना कहा जाता है। तो इसी जूने को इसके ऊपर अच्छी तरीके से रगड़ देंगे फड़ाक से। बस यहाँ पर हल्का सा आपको पानी गर्म कर लेना है। अब कढ़ाई एकदम से चमचमाती साफ हो चुकी है, तो अब क्या करना है, अब बस इस कढ़ाई को एक बार साफ कपड़े से पोंछ देना है और इसमें डाल देना है दूध। लेकिन अभी गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, याद रखना है। और यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है वो भी एकदम से फुल क्रीम लिया है, बहरहाल मैंने यहाँ पर तो अमूल का दूध लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, भैंस का भी, बस होना उसमें अच्छी खासी मात्रा में क्रीम चाहिए, वरना आप चलाते रहोगे मावा निकलेगा कम और इसका जो रेट है वो हलवाई वाली दुकान से भी पड़ जाएगा महंगा। अब दूध डाल लिया है तो कलछल भी देख लेते हैं कौन सी लेंगे। तो देखो ये जो लकड़ी वाली डाबी है ना, मतलब कि इसको हलवाई भाषा में डाबी कहते हैं, तो डाबी थोड़ी सी भारी क्या 5-6 किलो की होती है, तो उसी का यूज करते हैं जब भी कोई भी मिठाई बनाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, ये भी यूज हो जाएगी, क्योंकि इसके जो आगे का हिस्सा है देखो प्लेन है, और जब इसको इसके अंदर चलाएंगे ना, तो बिल्कुल भी जो तले में मावा वगैरह है या दूध वगैरह है वो नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस प्रकार की जो लकड़ी की चम्मच होती है ना, उसका यूज होता है, तो मैं भी इसी का यूज करूंगा। बहरहाल गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसको रखेंगे बिल्कुल हाई। यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रो टिप है, गैस की फ्लेम को मीडियम या मीडियम टू लो नहीं रखना है, एकदम से हाई फ्लेम पर इसे हमें बनाना है जब तक कि खोया नहीं बन जाता है। अब देखो, अगर आपको व्हाइट रखना है तब तो बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे ही जब दूध बर्फी बनाई जाती है तो एकदम से गैस की फ्लेम को हाई रखा जाता है, जिससे जो दूध बर्फी है ना एकदम से सफ़ेद रहे। और कुछ हलवाई वाले क्या कर लेते हैं, वो तो उसके अंदर हाइड्रो का यूज़ कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ हाइड्रो नहीं डालना पड़ता है। एकदम से वाइट रखनी है तो हाई फ्लेम पर बनाइएगा, ना तो दूध धीरे धीरे लाल होगा और ना ही कलर चेंज करेगा। अब इसको हमने एक बार चला लिया है, तो अब क्या करेंगे, अब ठंडे ही दूध में डालेंगे नींबू का रस। तो लगभग आधी चम्मच जितना डाला होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो आधा नींबू आप समझो, उसका मैंने रस ले लिया है। अब जैसे ही इसके अंदर हम नींबू का रस डाल देंगे, तुरंत इसे चलाएंगे, रुकेंगे नहीं जब तक कि इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए, क्योंकि उबाल नहीं आएगा तो दूध फटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप लगातार चलाते रहें, और एक उबाल आ जाए तो उसके बाद आप रोक दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस तरीके से दाना आएगा, अभी आपको लग रहा है कि नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे इसका मावा बनता जाएगा वैसे वैसे इसके ऊपर परफेक्ट दाना भी आता जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस इसी तरीके से मावा बना लें। अब देखो दूध में उबाल आ चुका है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं और फिर इसे एक दो मिनट बाद चला सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप करके मावा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से इसे हम एक दो बार चला लेंगे और फिर से छोड़ देंगे। अब देखो दाना कितना परफेक्ट आना शुरू हो चुका है, तो बस इसी तरीके से दाना आता रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दाना नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना है कि आपको पता भी नहीं चलेगा दाना कितना आ गया है। दाना धीरे धीरे आता रहता है, जब मावा बनके तैयार होता है तो दाना बंधने लगता है आपस में और फिर हो जाता है बहुत ज़्यादा, आपको इस रेसिपी में पता चल ही जाएगा। बहरहाल जो हलवाई वाले होते हैं वो नींबू की जगह या तो अमृत खट्टा का यूज करते हैं, जो कि फलों का मतलब कि खट्टापन होता है, और अगर वो भी नहीं होता है तो जो फिटकरी होती है ना, बस बिल्कुल चुटकी भर उसे डाल देते हैं ऐसी तोड़ के, अपने आप दाना गोल गोल आता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट दानेदार मावा बनता है। खैर जब तक ये पक रहा है तब तक हम कर लेते हैं लाल कलर की तैयारी। तो इसको एकदम से परफेक्ट लाल कलर देने के लिए क्या लेंगे, लेंगे यहाँ पर दो चुकंदर। तो इन चुकंदरों को मैंने साफ कर लिया था, अब इसका अगाड़ी हिस्सा और पिछाड़ी हिस्सा हटा देंगे और बस इसको इस तरीके से छोटा छोटा काट लेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे ही करिएगा। हाँ, चुकंदर से याद आया, अगर आपने पनीर कलेजी की रेसिपी नहीं देखी हो तो जाकर देखो, इसी के रस से बनी है, बहुत टेस्टी होती है और हर एक जगह मिलती नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ही आपको मिलेगी। तो जाकर आप उसकी रेसिपी देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट जो पनीर कलेजी होती है ना वो बनेगी। तो उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देखिएगा जाके। बाय द वे चुकंदर हमने काट लिया है छोटा छोटा, अब इसको डायरेक्ट उठा के पटक देंगे मिक्सी के जार में और इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे बिल्कुल छोटा छोटा। अब देखो चुकंदर पीस चुका है, तो बस इस तरीके से पीसना है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी तरीके से रस निकल रहा है, तो इसी तरीके से निकल आएगा पूरा का पूरा रस। तो चलो इसका हम रस भी निकाल लेते हैं। तो लेंगे एक बड़ा सा भगोना और लेंगे इस तरीके की छन्नी, और चाय छानने वाली छन्नी तो मेरे हिसाब से सभी घरों में होगी। तो बस उठाकर इसमें डाल देंगे चुकंदर जो कि मैंने थोड़ी देर पहले पीसा था, और अब इसका चम्मच से दबा दबा कर सारा का सारा रस निकाल लेंगे, मतलब कि जितना निकला है उतना आप निकाल लो। तो बस चम्मच से इस तरीके से दाबना है ताकत लगाते हुए, और इसका जितना भी रस है जितना भी निकला है वो सारा का सारा निकाल लेना है। अब लगभग रस निकल आया है और जो ये सूखा वाला बचा हुआ है इसे हम सुखा लेंगे, और इसके बाद इसका अबीर और गुलाल बना लेंगे लाल कलर वाला। तो भैया ये तो फायदा हो गया, हर्बल वाला जो कलर है वो भी बन जाएगा। खैर इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, और जो रस है ये तो बहुत है। तो बस इसी रस को डायरेक्ट डाल देंगे मावे में, लेकिन अभी नहीं, पहले मावा बन जाने देंगे, क्योंकि अगर पहले डाल दिया तो दूध पहले ही फट जाएगा और फिर तो वो दानेदार मावा नहीं पनीर बन जाएगा, पनीर भी नहीं बनेगा, बेकार ही हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो अभी नहीं डालना है, जब इसका खोया बनके तैयार हो जाए उसके बाद डालेंगे। तो फिलहाल इसे हम अच्छी तरीके से चलाते हुए खोया बना लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि दाने थोड़े से जो है दानेदार नहीं बने, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नींबू का रस डाल दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से एक ही जगह पर ज़्यादा नींबू चला गया, तो उस जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा फट गया। तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो लेनी है इस तरीके की कलछल और बस इससे थोड़े से दाने को दाब देना है, एकदम से गोल गोल हो जाएंगे। देखो प्रो टिप है, याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं हलवाई को हलवाई बनाती हैं और उसका खाना एकदम से परफेक्ट बनाती हैं। लेकिन अगर दाना नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे चलाना शुरू कर दें, दाना बनना शुरू हो जाएगा और जो इसके अंदर का दाना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आपका दाना नहीं बन रहा है तो धीरे धीरे चलाएं, और जब इसके अंदर दाना ज़्यादा आ रहा हो तो जल्दी जल्दी से चलाएं और कलछल लें, उससे थोड़ा सा दाने को मैश कर लें, दाना कम हो जाएगा, और गैस की फ्लेम को हाई रखना है तभी ये वाइट रहेगा। अब लगभग मावा बनने वाला है और देखो दाना भी कितना अच्छा आया हुआ है। तो अब इसी स्टेज में थोड़ी सी अब चीनी डाल दें और इसको निकाल के एक प्लेट में जमा दें, दूध बर्फी बन जाएगी। और इसी तरीके से दूध बर्फी बनती है, बाय द वे दूध बर्फी बनानी नहीं है, इसको तो हमें करना है लाल कलर। तो डाल देते हैं इसके अंदर हम चुकंदर का रस। तो देखो जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला कलर एकदम से हो गया है लाल लाल। तो बस मजाक में यही आपको भर के गुजिया खिला देनी है, जो भी रिश्तेदार आए जिनसे भी आप मजाक करते हो। और कुछ लोग तो भैया खेल खेल में कहते हैं, देखो कौन सी लाल है कौन सी सफ़ेद बताओ, कि जल्दी बताओ गुजिया उठाओ और खानी है आपको, उसमें सभी लाल होती हैं बस एक सफ़ेद होती है। अब तो जो हम इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स पर जो प्रैंक करके दिखाते हैं ना, वो तो हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं, जीजा देवर साली भाभी इनके साथ। तो बस बिल्कुल वैसा ही हम गुजिया के साथ भी करते हैं होली के दिन। बाय द वे मजाक वाला रेड मावा तो बन चुका है, अब बस इसकी आपको गुजिया या समोसा जो भी आप बना रहे हो वो बनाने हैं। खैर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर, उसके बाद बनाएंगे इसकी गुजिया और उसके बाद बनाएंगे समोसे। तो देखो रेसिपी देखनी हो तो कमेंट करिएगा कि कैसे गुजिया बनाई जाएगी और कैसे इसका मीठा वाला समोसा, तो सिर्फ हमें कमेंट की जरूरत है, आप कमेंट करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने तो कर दीजिएगा, पैसा तो लगना नहीं है, बस मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब की वजह से, तो कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए।